पब्लिक टीवी आपकी आवाज। साइबर फ्रॉड और महादेव बैटिंग ऐप से 21 करोड़ से भी अधिक रुपए की ठगी करने वाले छत्तीसगढ़ के 7 अभियुक्त मुरादाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों को जेल भेज दिया है। पुलिस को इनके पास से घटना में प्रयुक्त मोबाइल और 3 लैपटॉप, फर्जी इंसर्ट बैंक की 2 किट, ATM मोबाइल नंबर, चेक बुक और 15,650 रुपए नकद भी बरामद हुए हैं। ये सभी छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। इनका एक साथी धीरज राठौड़ अभी भी फरार है, जो लखनऊ का रहने वाला है। देखिए, थाना हमारा साइबर थाना है जनपद मुरादाबाद में। एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था 11/2023 420 और 66 IT एक्ट के तहत, जिसमें से इनको टेलीग्राम एप्लीकेशन पे जो सट्टे लगाने, जो महादेव जो बैटिंग ऐप है, इस पे पैसा लगाने को लेकर ठगी की गई थी। इसी में जो टीम ने काम किया गया और काम करते करते इसमें सबसे जानकारी की गई थी, इसमें 7 लोगों के नाम प्रकाश में आए, जिनकी गिरफ्तारी की गई है। कल इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। एक सूरज वर्मा है, जो दुर्ग जिला आइए थाना वैशाली नगर के रहने वाले हैं, ये छत्तीसगढ़ के। दूसरे अंकित चौधरी, ये थाना कुर्सीपार भिलाई छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। तीसरे जयशंकर राव, ये भी थाना वैशाली दुर्ग जनपद के रहने वाले हैं छत्तीसगढ़ के। एक पंकज शाह है, भूपेंद्र सिंह है, ये भी वहीं के रहने वाले हैं। पवन कुमार यादव है, ये छावनी थाना दुर्ग जनपद के रहने वाले हैं। और एक जय कुमार है, ये कुर्सीपार थाना के रहने वाले हैं, वहीं जनपद दुर्ग के। और एक इनमें जो 8वां नाम प्रकाश में आया, जिनकी गिरफ्तारी अभी नहीं हुई, धीरज राठौड़, ये लखनऊ के रहने वाले हैं। और ये लोगों से महादेव बैटिंग ऐप के नाम से पहले इनको टेलीग्राम पे एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए बोलते थे, और उसके बाद में जब ये लोग इसमें पैसा लगाते थे तो कुछ पैसा इनको रिटर्न के रूप में देते थे, जिससे कि उनको कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए, और उसके बाद में फिर उनसे बड़ी धनराशि इसमें लगवाते थे। और ऐसा करके प्रतिदिन इनके द्वारा लाखों रुपए की ठगी लोगों से की जाती रही है। और इनके अकाउंट के अब तक हम लोगों ने जो डिटेल्स चेक किए गए हैं, जो कि तमाम अकाउंट्स से जो इनके पैसे जो इनके अकाउंट में आए हैं, क्रेडिट हुए हैं, वो धनराशि अभी तक करीब 21 करोड़ के आसपास की इनकी धनराशि इन लोगों के द्वारा इन्होंने अपने अकाउंट्स में डिपॉजिट कराई है। और उसके बाद में उसको मल्टीपल अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करके अलग अलग उससे, और उसके बाद में उस पैसे को इनके द्वारा अपने काम में लिया जा रहा था। और ये भी जानकारी मिली है कि कुछ पैसा इन्होंने उसमें से एक अकाउंट के माध्यम से फॉरेन में भी ट्रांसफ़र किया है। तो एक बड़ा गैंग है, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और भी इनमें जो लोगों के नाम प्रकाश में आ रहे हैं, इसमें टीम लगातार काम कर रही है, और जल्दी अन लोगों की गिरफ्तारी की जाएगी। बाकी इनके अकाउंट हैं, इनका डिटेल एनालिसिस किया जा रहा है कि जो पैसा इन्होंने लोगों से ठगा है उसको इन्होंने कहाँ इन्वेस्ट किया है, कौन कौन से अकाउंट्स में इसको ट्रांसफ़र किया है, तो उसकी कंप्लीट डिटेल निकाल के और आगे इसमें कार्रवाई की जा रही है। और इनके विरुद्ध आगे जो गैंगस्टर एक्ट की भी कार्रवाई की जाएगी। 14 के तहत इन्होंने जो प्रॉपर्टी लोगों से जो अर्जित किया है, उसको भी 14 की कार्रवाई करके जब्त करने की कार्रवाई इसमें की जाएगी। सर, जो पूर्व में भेजे गए थे, क्या ये उन्हीं के साथी हैं या ये अलग केस है? पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।